अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। बालों के लिए एक शर्तिया इलाज लेकर आई हूँ। बाल गिरते हैं, ये होम रेमेडी है, इसको आप घर पे बना लें और हफ्ते में 3 बार आप इसको लगा लें। ऐसे अमेजिंग से रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद कहेंगे कि इसके इस्तेमाल करने से आपके बालों की जो लंबाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसके इस्तेमाल करने से बाल गिरना बंद हो गए, इसके इस्तेमाल करने से बाल जो रफ थे वो ख़त्म हो गए हुए हैं। क्या इसके लिए क्या चाहिए? आपने एलोवेरा जेल लेना है, इसको मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल को मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद आपने हाफ लेमन लेना है। हाफ लेमन लेने के बाद आपने इस ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच प्याज है, इसको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। और इसके बाद आपने इसमें ये तारी मिली का तेल है, 1 चम्मच आपने इसमें ये ऐड कर देना है। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों को आपने ऐड करना है और इसके इतने ज़बरदस्त इतने अमेजिंग से रिज़ल्ट हैं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बाल जड़ते हैं, बाल टूटते हैं, ये ऐसी अमेजिंग सी रेमेडी है। दिनों में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल इतने ज़्यादा घने हो जाएंगे, इतने प्यारे इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि हर कोई आपसे पूछेगा आपने क्या ऐसा इस्तेमाल किया, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया है, कौन सा तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 3 मरतबा आपने हफ्ते में इसको इस्तेमाल करना है। और जब आपने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट होंगे, आपके बाल इतने सिल्की और इतने शाइनी और इतने प्यारे बाल हो जाएंगे, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल से। और इसके बाद आपने ये लेमन डाल ली है और इसमें 1 चम्मच आपने ये तारी मिली का तेल है। इससे ये होता है कि बाल जो आपके बालों में डैंड्रफ है, बालों में रफ़पन है, ये इससे दूर हो जाता है। और इसके बाद आपने ये प्याज हैं, ये 2 से 3 चम्मच हैं, इस प्याज को भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सिर्फ 3 मरतबा आपने इस्तेमाल कर और किसी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना और आधा घंटा अपने बालों पे लगा रहने देना। सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। जब आपने इसको मिक्स कर लिया तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना ताकि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाए। और आपने बालों में अप्लाई करना है हफ्ते में 3 मरतबा हर तरह के बालों के मसाइल के लिए है। तो उम्मीद है आज की जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी है। अगर ये अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।